ईटीवी महाप्रभाव नाबालिका विवस्त्र वीडियो वायरल घटना रे मयूरभंज पुलिस कार्यानुष्ठान दुई गिरफ निज आड़ मामला रुजू कला महिला कमिशन क्राइम ब्रांच एडीजी को रिपोर्ट तलब लगी वर्षा विकल चाषी जमि में सड़ू पाचिला धान कटा फसल सुरक्षा नहीं बढ़ला चिंता सरकार कहिले एतिक वर्षा मिलबनी क्षतिपूरण वर्षा छाड़े हेब क्षति आकलन आत्महत्या रिपोर्ट पर सरकार को घेरिले विरोधी धर्मेंद्र कहिले समबेदना देलनी जदि कटा खारे लगाओनी चून दामों जवाब काहीक बिंधुची केन्द्रमंत्री मुंड सानी तदंत पर दावी तो दुई परीक्षा पर तारीख घोषणा मार्च 6 विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा 7 कला खूब शीघ्र यूजी पीजी स्तर में सिलेबस और परीक्षा में परिवर्तन युक्त 3 रु छात्र छात्री को आईएएस और ओएस कोचिंग सुधा 30,000 कोटीर निवेश ओडिशारे नुआ पुंजी निवेश आशा देखाइले धर्मेन्द्र पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टर्स कनक्लेव रे 3 एमओयु स्वाक्षरित मेक इन ओडिशा प्रकल्प में आगेले राज्य सरकार सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 15 प्रकल्पर शिलान्यास कले मुख्यमंत्री प्राय 12,000 कोटीर पुंजी निवेश 8,000 रु अधिक लोकों मिलिबो नियुक्ति एवं विपद रे गंजाम रो लाइफलाइन शिल्प संस्था एवं वर्ज्य वस्तु पई प्रदूषित होउछि रुसुकुल्यार स्रोत 5टी जगह रे पी होउनी पानी ईटीवी रो कैंपेन सेव रिवर नमस्कार अमर ओडिशा को स्वागत करुछि म अविनाश सडंगी ईटीवी महाप्रभाव छात्रिंग को जोर जबरदस्त विवस्त्र करी वीडियो वायरल करबा घटना रे दुई अभियुक्तों को गिरफ करिछि मयूरभंज थाना पुलिस मोट 3 जनक नारे मामला रुजु करिछि बारीपदा पुलिस सबुठु चांचल्यकर कथा हेउछि छात्री जनक नाबालिका घटनार संवेदनशीलता को देखि महिला कमिशन निज आडु मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछन्ते गतकाली प्रथमे ईटीवी वायरल वीडियोर खुलासा करथिला दीपक महांति मोतिलाल महांत उरफ टिया पुलिस कहिबा अनुसार एमाने ही नाबालिका को विवस्त्र करी वीडियो शूट करथिले छात्री जनक जेते काकुती मिनती होइथिले भी किछि सुनि नथिले गतकाली प्रथमे ईटीवी रे वायरल वीडियो खबर प्रसारण परे पुलिस आरंभ करथिला तनाघना घटना मयूरभंज पुलिस स्पष्ट करथिले पुलिस कमिश्नर बारीपदा पुलिस दुई अभियुक्त को गिरफ्त करिछि ए जघन्य कांड घटीथिला बारीपदा सहर ज्योतिपुर अंचल आज पीड़िता बापा बारीपदा सदर थाना एतला ज्योतिपुर अंचल पिला से माने प्रत्येक दिन कम से माने असामाजिक व्यक्ति एवं एटा गोटे नुह एमती बारंबार से करती जहाँफल मुझे साहस आस्ते आस्ते बढ़ी चलता तेणु मुझे देख ली एम को गोटे कि नक एम आस्ते आस्ते एम प्रादुर्भाव बढ़ी चलो तेणु मुझ थाना एफआईआर दे केस के अंदर 3 लोक अक्यूज अच्छा भितर आम 2 लोक डिटेन और भी खोजा चलती केस रजिस्टर इन्वेस्टिगेशन चलती बाकी जितकी तदंतर फर्दर जो इनफर्मेशन बाहर से हिसाब से एक्शन कर घटना 2017 एप्रिल 4 रो छात्री जनक केतक बंधु ज्योतिपुर अंचल को बुलवा को जाते घर को फेर बेले तीन जन युवक से अटकई एक निकांचन स्थान को ले जवासह छात्री को जोर जबरदस्त विवस्त्र करी वीडियो रेकर्डिंग करथिले ए वीडियो वायरल होइथिला घटना को संवेदनशील भावे महिला कमिशन ग्रहण करबा सह निज आडू रुजु करिछंती मामला ए संपर्क रे क्राइम ब्रांच अतिरिक्त डीजी को रिपोर्ट तलब करिछंती ए घटना भुवनेश्वर नुहे मयूरभंज अंचल पुलिस स्पष्ट करथिले पुलिस कमिश्नर से जो से वीडियो वायरल होइछि सेटा मोर नजर रे अछि आ एबे पर तमे जो इंक्वायरी करिछु एटा कमिश्नरेट रिलेटेड नुहे एटा अन्य गोटे जिला रे होइछि मयूरभंज जिला रे से घटनाटा घटिछि और मोर जानवर रे सेने एतरे किछि पद्यखेप नौछन्ति तो जहां भी होइता या युव समाज छात्र समाज प्रति एक निंदनीय घटना आमे त निश्चित पर चाहिबु जे माने प्रथम वीडियो टेको वायरल करिछन्ति बा सोशल मीडिया रे छाडिछन्ति सेमान प्रति दुडरो दुड कार्य अनुष्ठान ग्रहण कराउ एठी प्रश्न उठुछि जदि 6 मास तलर घटना संपर्क रे पुलिस अवगत थिला ताहले कार्यानुष्ठान नहीं नथिला कहिंकि घटना को 6 मास बीतीथिबा बेले केमिति प्रमाण संग्रह करबो पुलिस बारीपदारु राधाश्याम प्रधान ओ भुवनेश्वरु कैमरा पर्सन सुश्री सुलोचनांक सह शुभकांत पढ़ियारी ईटीवी न्यूज।
चासी विकल किंतु सरकार स्थिर तीनी दिन हेलानी लागी वर्षा उपकूल एवं दक्षिण ओडिशा रे नष्ट होईछि चासी को फसल किंतु राज्य सरकार कहउछन्ति जेतिकी वर्षा होईछि सेतिरे क्षतिपूरण दे हेबो नाही आगो को वर्षा स्थिति कोन रहउछि ताको अपेक्षा रहिछि वर्षा छाडी गला परे रिपोर्ट मगा जाई फसल क्षतिर आकलन करा जिवो तीनी दिन हेलानी कमुनी वर्षा बिलरे पड़ी रहिछि कटा थान पानी रे भिजि भिजि नष्ट हेबाकु बसिलानी जेतिकी पारुछंती पानीरु छाणी बाहर करुछंती चासी गजपति नयागढ़ बालेश्वर जिले रे फसल रो एभली स्थिति वर्षक जाकर परिश्रम पानी रे पची जाइछि आउ अधिक दिन वर्षा हेले अमल आशंका पूरा सुन जिला कृषि अधिकारी कहउछंती वर्षा छाडीले क्षति आकलन हेबो धान तो हे जाइथिला काटी बाबू आमे जदि आउ काटि नथांदे बिल रे धान आधे हे थांदे कि ताकु लोक करि काटिलु काटिया फले से वर्षा लागि रहिला लागि वर्षा सहित सढ़ी गला धान गुड़ा आ तो हाथ में धरले सब छिड़ छिड़ जाऊँगी आ पुणी वर्षा हेले आ कहाँ जहाँ कि हाँ वर्षा लगि रही तो पुणी आज किसी आदि हम बनार तार जहाँ जाता जहाँ क्षति होता है तापर एवं वर्षा पूरा एकदम धान सब पचिकी सड़गला पुक सब लागे आम जो ऋण आनीचे ऋण भी आम सुझा कमी से किसी चिंता करे सरकार किसी आम कथ बुझुना ये प्रशासन भी कहीं आसुना आम जहाँ आनुमानिक शतकड़ा दस भाग धान केंद्र नई पड़ी किंतु सठिक आकलन चली जेहेतु वर्षा टे चालू रही तेणु आम सठिक आकलन पर वर्षा स्थिति उपरे नजर रखिछंती राज्य सरकार सचिवालय रे तुहा को तुहा बसुची बैठक हेउची स्थिति समीक्षा एसआरसी कहिछंती एपर्यंत जेतिकी वर्षा होईछि आउ जेउ परिमाण रे फसल क्षति होईछि सेथिरे क्षतिपूरण देई हेबोनी आउ दिने कि दुई दिन अपेक्षा करा जिवो रिपोर्ट आसीबा परे निया जिवो पदक्षेप 24.5 मिलीमीटर अधिक वर्षा हेथिबो गोटे दिन रे ताहाले सेठी एटा गोटे नेचुरल डिजास्टर रो गोटे कैलामिटी रो एटा गोटे क्वालिफाई करिवो एवं जो आमर एसडीआरएफ बा एनडीआरएफ रो नॉर्म अछि से अनुसार आमे मध्ये तांको सहायता देइ परिवो तेनु ब्लॉक वाइज इन्फॉर्मेशन आसिला परे आमे ताकु अनुधान करिवो वर्षा सांगकु बहुछि पवन पाणीपाग विभाग कहुछि आहुरी 24 घंटा लागि रहिबो वर्षा गजपतिरु वासुदेव दास नयागढ़ नवकिशोर मिश्र बालेश्वरु विभूति राणा और भुवनेश्वरु दुर्गा प्रसाद षडंगी ईटीवी न्यूज लगाण वर्षा जनित क्षयक्षतिर समीक्षा करिछंती मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे 15टी जिलार जिलापालंक सहित स्थिति समीक्षा करिछंती नवीन पटनायक क्षयक्षति आकलन पई शनिवार एवं रविवार राजस्व एवं कृषि विभाग कर्मचारी छुट्टी बातिल करा जाइछि लघुचाप जनित लगाण वर्षा रे उपकूल एवं दक्षिण ओडिसा रे व्यापक फसल नष्ट होइतिबा आशंका करा जाउछि तो दि दिन रे जो भारी वर्षा देखा जाइछि कोस्टल एरिया रे से सिचुएशन रो आज माननीय मुख्यमंत्री जिलापाल मान सहित समीक्षा करछंती मेनली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट 15टी जिलार जिलापाल मान उपस्थित थिले वीडियो कॉन्फ्रेंस रे माननीय मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती जे रेवेन्यू एवं एग्रीकल्चर रो फील्ड स्टाफ से माने लोक मान को संगे रहिबे एवं शनिवार रविवार छुट्टी भी कैंसल कर दिया जाय छे एवं सबु फील्ड स्टाफ को कुआ हिची जे से माने अलर्ट रहिबे एवं जहाँ एडवाइस दवा कथा लोक मान को सेटा फील्ड रे से माने दे ब्रेक पर स्वागत चासिंग को दुस्थिति को नहीं बढ़ुची राजनीति आत्महत्या रिपोर्ट आसीबा परे सरकार को समालोचना करिछंती विरोधी बरगढ़ वृंदा साहू एवं कामाख्या नगर बासु हेमराम का आत्महत्या पछरे फसल हानि कि ऋण बोझ नहीं बोली कृषि मंत्री कहिबा परे घेरिछंती विरोधी केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछंती समवेदना नदेले नहीं कोटाघारे चून दियंतु नहीं सरकार राज्य विरोधी कार्य लागिथिबा धर्मेन्द्र बाबू को मुंड चासी को सहायता पई काहेकि बिंदुची बोली पालटा प्रश्न करिछंती कृषि मंत्री दामोदर राउत रिपोर्ट को नहीं दुई परिवार रो भी उठिछि विरोध स्वर वृंदा साहू को आत्महत्या पछरे नहीं फसल हानि कि ऋण बोझ कामाख्या नगर लेंबुपाल गां बासु हेम्रम को मृत्यु पछरे घरोई कली राज्य सरकार को ए रिपोर्ट परे उठिछि विरोधर स्वर व्यथित होइछंती दुई परिवार वृंदा झी कहिछंती बापा आत्महत्या पर सरकारी अधिकारी माने घर को आसी उपर थाउरिया तदंत करिछंती बासु को पुओ दाबी करिछंती आउ थरे तदंत करी रिपोर्ट दियंतु सरकार
एसपी और कलेक्टर आसिकर आम घर किसी भी इनक्वारी ना कर से खाली माँ स्वास्थ्य अवस्था खाली पचरकर जाइन आई भी मानने तदंत भी ना कर खाली पचरकर जाइन आरा ओा जाइए कि मोर बापा विष पीकर आत्महत्या कर बापा चार एकर जमी चाष कर आजार टाँग भी धार आ जो काली जो मंत्री कहले ना चाष भल हो भी आसी ना आमती कहीदे मानने भुवनेश्वर बसिकना कहीदे ना चाष हो बोल केवल मृतकों पर नुहे सरकार जोरदार बर्षि विरोधी केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते आत्महत्या भली स्थिति रे जदि समबेदना जनाऊना सरकार ताहले कटा घारे चून दिंतु ना विरोधी दल नेता कहवा कथा जिला प्रशासन सत्य को लुचाइवा चेष्टा कृषि मंत्री जहां कहते जिलापा रिपोर्ट आधार में सेपटे केन्द्र मंत्री को कड़ा जवाब देते कृषि मंत्री पालटा प्रश्न करी को सहायता पाई सरकार लगी दिन राति राज्य स्वार्थ विरोधी कार्य लगी धर्मेन्द्र एहकी मुंड बिंधु क्षतिपूरण पाइबा ऋण नबार कौन जरूरी सी कौन अपराध कला ऋण ना सरकारी बैंक ऋण नहीं तार पर लोक मैंने कहते हाथ उधारी नहीं प्रकार सरकार बसी बंधु मैंने प्रकार दायित्वहीन मंतव्य जिलापाल विरुद्ध कठोर कार्यानुषान ग्रहण करपा भूल रिपोर्ट साहस करते क्षति दरदी दुख कर सहायता घोषणा कर पैसा भी मागुन मुख्यमंत्री घोषणा कर मरुड़ी सात शह कोड़े कोटी आम टकरे तो मागुन राजनीति कृषि मंत्री चाषी विरोधी मंतव्य प्रतिवाद रे राजधानी रे विक्षोभ करिछि बीजेपी किसान मोर्चा बलांगीर चंद्रभानु मलणा जगत सिंहपुर पिनाकी महांती एवं भुवनेश्वर रश्मिता दास थबीर सामल ईटीवी न्यूज युक्त दुई परीक्षा पर तारीख घोषणा हो मार्च 6-29 पर्यंत परीक्षा करने को निष्पत्ति परिषद प्रथम दिन विज्ञान और वाणिज्यर इंग्राजी परीक्षा हो मार्च 7 कला विभाग में प्रथम दिन में इंग्राजी परीक्षा देवे छात्र छात्री दिन 10 गोटाए पर्यंत हो परीक्षा एथर मध्य थ्योरी पूर्व हो प्राक्टिकाल परीक्षा जानुरी 25 फेब्रुआरी 5 जाए प्राक्टिकाल परीक्षा कर वार्षिक उच्चमाध्यमिक परीक्षा पर उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद पक्ष आज परीक्षा प्रोग्राम जारी करा जाई ए परीक्षा जनवरी 25 तारीख रु प्राक्टिकाल परीक्षा आरंभ हो फेब्रुआरी 5 तारीख पर्यंत चलिबो थ्योरी परीक्षा मार्च 6 तारीख रु आरंभ हो मार्च 29 तारीख पर्यंत चलिबो प्राक्टिकाल परीक्षा एवं थ्योरी परीक्षा मध्य आमर आर्ट्स साइंस कॉमर्स वोकेशनल ए सब स्ट्रीम्र परीक्षा यही समय भितर सीमा भितर शेष हो उच्चशिक्षा क्षेत्र में संस्कार आणवाक राज्य सरकार चिंता एथपाई कुलपति सहित बैठक कर उच्चशिक्षा मंत्री यूजी पीजी स्तर में सिलेबस और परीक्षा परिवर्तन सहित नाक प्राप्ति पर कलेज और विश्वविद्यालय को प्रस्तुत रखा उपर गुरु दी एसत ब्लक ग्रांड उच्छेद और भित्तिमि सजाड़ा नहीं विशेष दृष्टि दी जाए जुक्त तीन छात्र छात्री आईएएस और ओएस कोचिंग प्रस्तुत करने को योजना कर उच्चशिक्षा विभाग उच्चशिक्षा विभाग में संस्कार आणवाक 4 स्वतंत्र कमिटी गठन हो दिल्ली विदेश विभिन्न यूनिवर्सिटी किपर पढ़ा हो पाने किपर भाव विश्व रेकर्ड सृष्टि करम पे करूना मुझे कहूनी करु आहरी अधिक करेंगे से प्रचेषार आम अच्छा सिलेबस केमती इम्प्रूव करमती परीक्षा ठीक समय हम पाकर इंटरेस्ट से भल करेंगे किमी परीक्षा आईएएस परीक्षा भल करेंगे से सब जिन आलोचना 2030 सुधा ओडिशा समेत पूर्वांचल राज्य में विभिन्न क्षेत्र में निवेश हेबो 30,000 कोटी आज भुवनेश्वर में अनुष्ठित पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टर्स कनक्लेव रे रोड मैप घोषणा करिछंति केंद्र पेट्रोलियम मंत्री कनक्लेव रे 3 एमओयू स्वाक्षरित होइछि ओडिशा रे टेक्सटाइल वार्क और भुवनेश्वर में खोलिबो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कैंपस पूर्वोदय पूर्व भारत रे नुआ पुंजी निवेश सुजोगर सूर्योदय एही स्लोगान देई निवेशकों को आकृष्ट करिछंते केंद्र सरकार विशेषकर केमिकल पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल प्लास्टिक एवं डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री प्रतिष्ठा पई बैठक रे होइथिला मानस मंथन कार्यक्रम रे 3 एमओयू स्वाक्षरित होइछि
ଆଇଓସି ଇଡ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ରାଜିନାମା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଆଇସିଏମ୍ସିପିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପାରାଦୀପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 40 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 22 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଇଓସି ଆଉ ଆଇସିଟି ଉଭୟ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଇଏ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହେବ। ଇଏ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ 22 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ତିଆରି ହେବ। କନକ୍ଲେଭରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ଆଗ୍ରହୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। The state government is committed to provide active support for the completion of this project. I would like to reassure that we will ensure all necessary support to IOCL as required for this project. I can assure you from MSME side, because I am a minister of MSME, any sort of cooperation and help will be given to you from MSME side. Unless government for India and government of Odisha goes together, then the nation cannot improve. If Odisha cannot improve, nation cannot improve. କନକ୍ଲେଭରେ ପାରାଦୀପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଥିବା ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଖିଆଗର ରଖି ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଖବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ଏହି ମୌକାରେ ଜୋର ହୋଇଛି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ। ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ କେବଳ ପାରାଦୀପ କି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ଜବାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାମରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। Well, also we need some progress, because there is no support. The natural food is nowhere. And the people have contributed the land with low cost, only thinking that their area will prosper, they will get employment, and the government also get revenue. I cannot forget Dhamra, Prabhul bhai. I have extended invitation to you when we inaugurated the Urja Ganga pipeline and the LNG terminal. You feel proper to not to attend that program, but we are not leaving Bhadrak is in our priority. ରାଜ୍ୟର 25% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଜୁଳି, କିନ୍ତୁ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ 1 ନମ୍ବର, ଏଭଳି କହି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ଜବାବରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। We missed the bus with the second industrial revolution. Energy secretary se sankrantare hata rakhi sarichanti baki jo 20 25 lakh katha ta rahichi household katha rahichi se household nischit bhabare gote barsha bitare purvodaya banam go swift। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ। ସଚିବାଳୟରେ 15 ଶିଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 11,690 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯିବ। 8,187 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ 2018 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ଗୋସିଫ୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ 15 ବିଭାଗରୁ 32 ପ୍ରକାରର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରିବ। ଆବେଦନ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପପତି ନିଜର ଆବେଦନ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ସଚିବାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 15 ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ କରିଛନ୍ତି ଶିଳାନ୍ୟାସ। ପାରାଦୀପରେ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଉରିକନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
मोट 11,690 कोटी टंकार पुंजि विनियोगरे हेबो एहि 15टी प्रकल्प जेउथिरे सीधा सड़क 8,187 जणंकु मिलिबो निजुक्ति। आसंता वर्ष नवंबर 11 तारिखरु 15 तारिख पर्यंत भुवनेश्वरे मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2018 अनुष्ठित हेबो बोली घोषणा करिसेंति मुख्यमंत्री। To achieve the vision 2025 of attracting 2.5 lakh crore rupees of new investments and generating 30 lakh jobs for our citizens in the focus sectors of the state government, all the departments would have to work together towards timely granting of these projects. राज्यस्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस कर्तृपक्षक 75तम बैठक को उद्घाटन करिसेंति मुख्यमंत्री। एवं सुधा सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी जरिया 5 लाख कोटी टंकार पुंजी विनियोग को अनुमोदन मिली। एसबू प्रकल्प गुड़ी को वास्तव क्षेत्र में रूपायन करिबा सरकारों पर एवं बड़ चैलेंज बोली कहिसेंति मुख्य शासन सचिव। 2016 मसीहा मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे मोट 100टी कंपनी भाग नहीं 2,03,270 कोटी टंकार आजर बैठक को मिसई प्राय 5 लाख कोटी टंकार प्रपोजल स्टेट लेवल सिंगल विंडो कमिटी क्लीयरेंस अथॉरिटी अप्रूव करिसेंति आज पर्यंत एवं आमे आशा करूछु जे एही जो अप्रूवल हेछि ताकु आमे किभली भावे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रे ट्रांसलेट करिवु। 2025 बेळकु 2.5 लाख कोटी पुंजी विनियोग रे 30 लाख निजुक्ति सुजोग सृष्टि करबाकु लक्ष्य रखिछंती राज्य सरकार। गोटे पटे पूर्व भारत उदय पई आईओसीएल पक्षरु राजधानी रे पेट्रोकेमिकल्स कनक्लेव चलीथिबा बेळे मुख्यमंत्री को द्वारा राज्य रे 11,000 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास कु नै चर्चा आरंभ होईछि। भुवनेश्वर कैमरामैन सुकांत पाणिग्राहीक सह दुर्गा प्रसाद षडंगी ईटीवी न्यूज। ए प्रसंगे रही आज राति 8 प्राइम डिबेट इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स वितर्क आम सहित अतीत रहिबे नालकोर पूर्वतन सीएमडी सीआर प्रधान अर्थमंत्री शशिभूषण बेहरा और बीजेपी नेता पूर्णचंद्र मल्लिक। विषाक्त होउछि ऋषिकुल्यार पानि राज्यर एकाधिक प्रमुख नदीर पानि भळि ऋषिकुल्यार पानि मध्य सी श्रेणीर एकदा पवित्र नदीर मान्यता पाइथिबा ऋषिकुल्या एबे बेलगाम शिल्प संस्थारु उद्भूत आवर्जना एवं जनबसतिर निष्कासित बर्ज्यवस्तु कारणरु एक प्रकार व्यवहार अनुपयोगी होई पडिछि। 5टी जिल्ला दै प्रवाहित होइथिले बि गंजाम जिल्लार लाइफलाइन कुहा जाउथबा ऋषिकुल्या एबे अनेक स्थानरे आवर्जनामय। ये हुच्छे आसिका सहररु निर्गत आवर्जना पानी प्रमुख केनाल टिपिसर दे ए आवर्जना पानी मिसुची राज्यर अन्यतम प्रमुख नदी ऋषिकुल्यारे वर्षा ऋतु को छाड़ी देले अन्य समय रे ऋषिकुल्यार पानीर मान अनेक स्थान रे ड्रेन पानी सह समान। नदी कूळरे लगामहीन भावे गढ़ी उठिथिबा शिल्प संस्था नदी जल को जेतिकी प्रदूषित करुछंती जनबसतिरु निर्गत आवर्जना मिसी ऋषिकुल्या पानी को करुछि अधिक विषाक्त स्थिति दिनकु दिन हेउछि संगीन। मैला पानी जिते सब आसिका सहर धरिक जोड़ सब आरंभ हो सब मला गाई दूषित सब जिनस जाक पड़ी से पूरा नदी पूरा नष्ट लगी जहाद्वारा कि बर्तमान जो स्वच्छ भारत लिए कौन स्वच्छ नदीर आम देखा पाऊन आटा पीवाप योग्य बर्तमान मानने ना विभिन्न ग्रामांचल दूषित जल आभिन्न मैला आसिक दूषित कर सारा पीवा योग्य नुहे। केवल आसिका सहर नुहे ऋषिकुल्या नदी एकाधिक स्थान में बर्ज्यवस्तु कारण नदी जल प्रदूषित हो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ्य अनुसार ओडिशा दे 175 किलोमीटर प्रवाहित ऋषिकुल्यार 5टी स्थान में नदीर पा व्यवहार अनुपयोगी। ऋषिकुल्या जलभंडार समेत आसिका नलबंत माधवपुर पेटागड़ ऋषिकुल्यार जल अत्यंत निम्न मानर सामग्रिक भाव ऋषिकुल्या जलर मान सी श्रेणी अंतर्भुक्त। वर्ष वर्ष धरी अशोधित आवर्जना नदी में मिशुथिबारु जलचर जीव मध्य प्रभावित होउथिबा कहिछंती परिवेशविद। जोटा अलमोस्ट आपणकर बीओडी 2 रहुची सेटा होची ए क्लास रिवर बोली कहा होची जोटा बीओडी 3 सेटा होची बी क्लास किंतु तार टीसी रो गोटे
ଆଉ ଡିଜେଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଟିସିର କ୍ୱାଲିଟି ଅଲଗା ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସି କ୍ୟାଟେଗୋରି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଡିଜେଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 4, BOD 3 ଏବଂ TC 5000। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ, କୃଷି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଆବଣ୍ଟନରେ କମିଯିବ ବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବସ୍ତୁ ଯେମିତି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଦୀରେ ପାଣି କମିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମୁଛି, ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।